कि आज आसमान पूरी तरीके से साफ, धूप खिली हुई और इसी के साथ मौसम में पूरी तरीके से तब्दीली। पिछले 3 दिन से काले बादलों का डेरा था, जो आज 4 तारीख को छंट चुका है। हालांकि बारिश की संभावना अब भी पूरी तरीके से बनी हुई है मेरठ और आसपास के इलाकों में, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इस समय हिमाचल और दूसरे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाकों से सटा हुआ है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों पर पड़ेगा, खासतौर से मेरठ और सहारनपुर मंडल में। वहीं मुरादाबाद, बरेली और अलीगढ़, आगरा मंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में। शीतलहर की संभावना व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। जल्द ही प्रदेश के लोगों को शीतलहर से दो चार होना पड़ेगा। शीतलहर के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। जी हाँ, तापमान में बड़ी गिरावट शीतलहर के चलते दर्ज की जाएगी। 1 दिसंबर से और अब तक, यानी 4 दिसंबर तक मौसम में काफ़ी तब्दीली देखी गई है। हालांकि तापमान में वृद्धि है, इस समय मेरठ का तापमान 12 और 13 डिग्री के बीच है न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच। मौसम में ये तब्दीली पश्चिमी विक्षोभ के